मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। तो फैल ने कहा है मालिक बहुत अच्छा लड़का है। तेरे बाबा जान भी यही कह रहे हैं। तो फिर जोड़ दे रिश्ता अमी जान। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम्हारी मंगनी की तस्वीरें हैं, ठीक से देखो तो सही। मैं क्या करूंगी ये तस्वीरें देखकर? मैं तो नगीना को देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है उसमें तो फैल ने उसकी खातिर मुझे टुकरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आयशा, कैसी हो, क्या हाल है? ठीक ठाक। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ ही रही हूँ यार, आप सुनाओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, वो तुम लोग गए थे ना मालिक की मंगनी तय करने, कोई पिक्चर्स वगैरह ली तुमने? हाँ ली है ना, तो फैल भाई ने अपने मोबाइल में ली थी। तो फैल ने ली? तो तुम्हारे फोन में है कोई पिक्चर्स? है। अच्छा तो ऐसा करो ना, मुझे भेज दो, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके। तो फैल ने अपने फोन से लिए पिक्चर्स? फोन नहीं उठा रहा। चल निकाल, ये हो गई वो साथ वालों घर वालों की, और ये पीछे जो आए नए लोग उनको भी ये वाली भेज दे, ये दो। और अम्मी रूबी? हाय रूबी, उसके घर भी भेजनी है, बहुत ही सारी डाली। सलाम अलैकुम हाला। हाय वालेकुम सलाम। मैं अभी सोच ही रही थी मैं कि तेरे घर मिठाई भेजनी है। तो फैल भाईजान की मंगनी की मिठाई? अरे नहीं, मालिक भाईजान। किसकी? मालिक भाई की गया। हाँ मालिक की मंगनी कर दी हमने चाचे के घर। खैर से अब तो रहने ही दे, हाला मुंह वैसे ही कड़वा हो गया। जाने दिखा तस्वीरें फिरोजा की, इतनी प्यारी मेरी नूह है। हे, सोचा था प्यार ना करेंगे। सलाम अलैकुम। शुजा है ना तानस का? हाँ चल दिखा तस्वीरें। हाँ हाँ निकाल रही हूँ, निकाल रही हूँ। मैं जरा देख के आऊँ बोर्ची खाने में, ठीक है? अल्लाह। तो भाई पार्टी गेट की अंजुमन कैसे गुजर रही है? ये पूछ क्या गुजर रही है? किस पर? दिल पर। तो दिल को सही कर देते हैं, मिठाई खिला देते हैं। ले ले मिठाई खाए। एक ही बार खिला दो सारी मिठाइयाँ, यूं थोड़ा थोड़ा करके तो ना मारो मुझे। अच्छा चल परेशान ना हो, ये देख तस्वीरें। हाय अल्लाह, इतनी प्यारी। क्या नाम बताया इसका? फिरोजा। और तुफैल भाई जान की मंगेतर का? नगीना। अच्छा, इसका मतलब सारे जम्स इकट्ठे कर रहे हो तुम लोग। जम्स नहीं होता, जैम कहते हैं उसे, पढ़ लिख लिया कर। अब देखो ना, तुफैल भाई जान की मंगेतर का नाम नगीना, मालिक की मंगेतर का नाम फिरोजा, अब अब्बास भाई जान के लिए पता नहीं कौन सा नाग लाओगे। हाय, कोई हीरा कोई मोती।
कोई रूप भी? अल्लाह अकबर। देखो भाई, जिस स्पीड से हमारे घर में मंगनी हो रही है ना, मुझे ये लगता है कि तुम्हारे नसीब में सबसे आखिर में मोजी पान वाला ही आएगा। ओए शुजा, लुक एंड वॉच, मेरे साथ तो मजाक ना करना तू शुजा। अरे अब तो मुझे भी भाईजान कहना शुरू कर दो। अरे मिठाई तो ले दीजो। ओ पार्टी गेट की अंजुमन। ये ले, उन्हें तेरे लिए बनाया है खास तौर पे ना, अब फड़। अच्छा ये बता, तो फैल ने कोई बात की तेरे से? अच्छा तो क्या बात है? मामा, फरोजा तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। हाँ ठीक है, पर तूने कहाँ देख ली? आयशा से मंगवाई थी मंगनी की तस्वीरें। अच्छा दिखा, भला दिखा मुझे। हाँ मुल्ताना ने तो होती बड़ी खूबसूरत है, दफा कर इसको। इसकी माँ भी बड़ी हसीन थी जवानी में, इसीलिए गुलाम हुसैन अपना हिस्सा तक छोड़ के चला गया वहां पर उसके पास। पता है अल्लाह, तो फैल तो मेरा मुकाबला करता होगा उसे, उसे वहां जाके कितना अफसोस हुआ होगा। ना मेरी बच्ची ऐसा ना सोच, बिल्कुल ऐसी बात सोची ना, दिल में लाई ना। मैं तुझे ना एक बड़े गौर की बात बताती हूँ जिसको तू हमेशा याद रखी, भाई समझ। अच्छा औरत जो है अपने शौहर के दिल पे भला कैसे राज करती है? पूछ रही है या बता रही है? सुन ना, सुन ले, बता रही हूँ ना। वो राज करती है सलीके पे, ना हुसन पे और ना ही अच्छे अखलाक पे। औरत राज करती है अपने चलित्र के ऊपर, अपनी अदाओं के ऊपर। और अगर तू अकलमंदी से रहेगी ना, बर्दाश्त करेगी ना, तो बेटा ऐसी कई फरोजाएं आएंगी तो कई चली जाएंगी, वो तो नजर उठा के भी नहीं देखेगा उन्हें। हाँ अब सुन, मर्द जो है ना वो औरत को हमेशा सबज बाग दिखाता है, और उसको औरत की झूठी कस्में ना बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी उसको पसंद आती है। दोनों ही ना दरअसल एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे होते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, तूने बेवकूफ बनना नहीं है पुत्र, तूने तो बेवकूफ बनाना है। उसको हमेशा यही कहना है कि तू मुझे नजर ही ना आता तो मेरी दुनिया अंधेरी हो जाती है, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं, मैं की करा। कितना मजा आता है। जितनी मजेदार आपकी बातें हैं उतने मजे के पकौड़े भी होंगे। मैं बनाने जाता हूँ, मुझे भी भूख लग रही है, मैंने भी खाने। जाके काम कर किचन दे विच, इन्हें बड़ी पेड़ी ला दी, मैं की करां। बस ना बस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी मैंने ना अपनी सारी सहेलियों को अपनी मंगनी की तस्वीरें दिखाई। वाकई बेटा, सारी लड़कियों ने कहा होगा नगीना तुम्हारा फियांसी तो बड़ा हैंडसम है। खैर नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। नहीं कहा तो फिटे मुंह उनका। हाँ लेकिन ये जरूर कहा कि नगीना तुमने कुछ जल्दी मंगनी नहीं कर ली, हमने तो पता नहीं क्या कुछ सोचा हुआ था तुम्हारे लिए। मैं क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब है, अपने किसी भाई किसी कजन के लिए घर आना चाह रहे थे ना। ओह अच्छा, सही कहा बेटा तुमने, सही कह रही हो। लेकिन मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा कि जल्दी मैंने नहीं की, तुम लोगों ने देर कर दी है पागलों। चलो थोड़ा उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन प्यार तो मैं करती हूँ ना तो फैन से। सही बात है। वैसे वो आयशा बता रही थी कि मंगनी की सारी तस्वीरें तुमने अपने फोन से बनाई। हाँ क्यों,
अपने फोन से क्यों बनाए? किसी और के पास कैमरे वाला मोबाइल ही नहीं था। आए, आए। वैसे क्या खाला ने मालिक भाई को टटकुंजियों में फंसा दी? वो चाचा है मेरा, टटकुंजिया तो नहीं है, बड़ा शरीफ आदमी है वो। तो मैंने कब कुछ कहा है? होगा शरीफ। वैसे फोन दिखाना। क्यों? दिखाओ तो। बैलेंस बुक गया तुम्हारा? कर लो, मेरे पास पैकेज वाला नहीं है बल्कि वो मंथली वाला है। अरे वाह, तुमने तो बड़ा संभाल के रखी हुई है तस्वीरें, हैं? वो मेमोरी कार्ड ज्यादा है ना, इसलिए रह गई होंगी। अच्छा अच्छा जी, चलो एक दो तीन चार। क्या कर रही हो? डिलीट। पूछा क्यों? डिलीट खुद की है तो फिर बता भी खुद ही दो क्यों? क्योंकि तुम्हारे फोन में ना सिर्फ मेरी तस्वीर होनी चाहिए, जैसे मेरे फोन में सिर्फ तुम्हारी होती, फोन में भी और दिल में, समझे? लाजवाब भी कर दिया आज तो तुफैल को, बोलती बंद नहीं कहना फिर। सदके जाओ, सदके जाओ। मंस नहीं। कितना मजा आ रहा है ना। चाह की शक्ल तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, पर फिक्की चाह चीनी कोई नहीं। मैं की करा स्नूदा, चीनी कहाँ? वो आपको शुगर है ना? मुझे तो नहीं ना शुगर, तो मुझे ला दे। ना सुनो, शुगर है आपको? फिक्की चाह बंदा ले आता सर। अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सबके जावा, क्या हाल है? कितनी प्यारी लग रही है। भाजी अल्लाह की कसम फरोजा, इतनी को हसीन लग रही थी, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा। अरे मैंने तस्वीरें भेजी तो थी, आपने नहीं देखी? हाँ देखी थी, देखी थी। वैसे फातिमा एक गल हैगी है, बड़ा कोई गरीब सा लगता है तेरा देवर, न खाने का पता न पहनने ओढ़ने की कोई तमीज है वैसे। नहीं नहीं बाजी, वैसे वो हमारे से थोड़ा सा है कम, लेकिन लेकिन वैसे उसने बेटियों को बहुत अच्छा रखा है, अल्लाह की कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। तू कहती है तो यकीन कर लेती हूँ। बल्कि ना उसने जोड़े भेजे हैं सबके लिए, नगीना के लिए भी। इधर दिखा, हाँ दिखा, मैं दिखाऊँ? हाँ हाँ मैं दिखाती हूँ। क्या कह सकते हैं भाई, ये देखे ना जोड़ा तो देखो, उसने कहा भी मेरी जिठानी है बनने होने वाली, तो मैं क्यों ना भेजूं? जोड़े का रंग देख इस पे कैसा लगने वाला है, देख तो सही। खाला क्या जरूरत थी आपको ये जोड़ा उठा के लाने की? आपको तो मेरे टेस्ट का पता है ना, आप इसे वापस ले जाइएगा। बेटा ये तो बड़ा कीमती है, फिरोजा ने अपने हाथ से कढ़ाई की है इस पे। अरे खाना आजकल हाथ की कढ़ाई कौन पहनता है भला, आप बस वापस ले जाइएगा। बेटे वो जो तू पहनती वो भी तो कढ़ाई होती है ना, ये भी तो नहीं नहीं ब्रांड होता है, बस कुछ लोगों को कढ़ाई लगता है। बस अभी लेकर आ रही है फरोजा। ऐसी जरूरत नहीं थी इस बात की, वैसे इतना खुश तो हो गया। भरजाई अब ये तो बनता है ना, आखिर रिश्तेदारी है, वो आ गई। ताई जान ये जोड़ा नगीना के लिए। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। फरोजा बेटा ये वाला जोड़ा तो तुमने अपने लिए बड़े शौक से बनाया था ना? जब अपना मंगेतर दे दिया उसको तो जोड़े की क्या औकात। ये भी तूने खुद कढ़ाई की है? जी ताई जान, ये जोड़ा जब मार्केट में जाता है ना तो फिरोजा का नाम नहीं रहता, ब्रांड बन जाता है। आए, फातिमा कितने चली गई, तू चाह पी है? अच्छा अच्छा, हाय हाय, ऐ तो थल्ले डिग पिया चुका तो सही। सारा ये ले लेती हूँ, अब तू ले आई इतने प्यार से तो रख लेती हूँ। वैसे वैसे किसी के देने दिलाने में भी तो काम आ ही सकता है ना किसी वक्त। जी दे दीजिएगा किसी को।
इतना प्यारा, इनका तो दिमाग ही खराब। कमेटी के पैसों से तो तूने लहंगे का कपड़ा खरीदना था, ये फोन ले लिया? जरूरी था। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हो? हाँ मैं ठीक ठाक। तुम्हारा एंट्री टेस्ट कैसा हुआ? मैं तो बड़ी दुआएं करती हूँ कि तुम्हारा मेडिकल में दाखिला हो जाए। अच्छा सुनो, मेरी फ्रेंड्स ना मेरे से कह रही थी कि अपने ससुराल की तस्वीरें तो दिखाओ, तो तुम ऐसा करो कि वो तुफैल की मंगनी की तस्वीरें हैं ना, वो मुझे सेंड कर दो। हाँ मेरे इसी नंबर पे। हाँ हाँ ओके 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 ठीक, अल्लाह हाफिज़। नगीना को देखना चाहती हूँ मैं। क्या करोगी देखकर उसे? आगे 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 तस्वीर। ये है? इसके लिए तो फैल ने मेरे को ठुकराया, इसके लिए? लो आसमां उड़ के बैठे हैं सब कुछ लुटा। तुम्हें तुम्हारी पसंद मुबारक हो और मुझे मेरा नसीब। तेनू अल्लाह पूछे कितना रुखा सिर किया वे खुशक, बिल्कुल जुए बेचारी भी रोती होगी। हम किधर आ गए, कुछ पीने को नहीं मिलता। अम्मा इंटी टेस्ट पास करना कोई आसान बात थोड़ी है, बस एक बार मेरा मेडिकल में एडमिशन हो जाए ना, फिर सारी मेहनत ऐसे वसूल होगी। नहीं जान कोस कर दी। हां भाई जुआ वाली सरकार है। मालिक भाई आप अपना फोन देना। क्यों आपकी जोजा नहीं, मेरा मतलब होने वाली जोजा से बात करवाती हूँ ना। अल्लाह फाड़ छोटी बात करी, बहुत ही बड़े कंजूस है वैसे सड़ी हो जाए, तेरा ही फायदा कर रही है। आयशा हेलो फिरोजा भाभी, मैं आयशा बात कर रही हूँ। वो आप आपकी मालिक भाई से बात करवानी थी ना। हाँ हाँ ये ले और कर ले, ये कर ले, कितों आ गया कर। हेलो हेलो। हाँ वो ऐशा कह रही थी तुमसे बात कर लूँ, तो मैं कहा चलो फिर मिला लो फोन। वैसे टाइम टूम नहीं होता मेरे पास, बड़ा काम होता है ना, बड़ा मसरूफ बिजी रहता हूँ, कभी अंदरून लुहारी, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी पार्टी, सौदा सौदा लेना होता है ना जी। और तेरा कभी दिल करे तो कर ली फोन शून, मैं वेला हुआ तो उठा लूंगा, नहीं तो काम बड़ा होता है ना, टाइम नहीं होता मेरे पास। हाँ मेन गल तो मैंने तुझे बताई नहीं, लंबी बात नहीं करूंगा मैं, पैसे बहुत लगते हैं और पैसे कमाना बड़ा बड़ा काम है। अच्छा हूँ मैं बंद कर रहा हूँ और दुकान पे लाइन लगी अगा, क्योंकि मेरी जान को रो रहे होंगे वहां पे, और कहीं मेरा फर्स्ट ही ना लगा दे। बंद कर बंद कर, मैं दूर फिटे मुंह पैकेज करा ले विशर्मा। अरे माँ कहड़ा पैकेज करा ले हैं, इसको कह अपनी जुओं का पैकेज करा ले, बहुत जुमे हैं इसके सिर में, और नाले उसको पता होना चाहिए पहले दिन से ही के कैसा हूँ मैं। भेजा अबे एड्डा तू आया, अब ये जाके ना चुपके से फोन करेगा, मुझे सारा पता है लड़कों का, इनके काम ही यही होते हैं, हमारे सामने एक्टिंग करते हैं बिचो पूरे ने चबर जा। हाय हाय एड़ी एड़ी मोटी है तेरा पेड़ा तरचवे, खुजली भी नहीं होती तुझे, है कॉलेज में जाती लोग क्या कहते होंगे। पीछे नहीं हट जा। आ हुआ क्या? देखें भाई जो सबसे जरूरी बात होती है ना, मैं माँ जी को बताता हूँ पहले। मेरा को तो आता बस नहीं। माँ जी आपकी जो नलायक बेटी है ना ये फेल हो गई है। जरूर इसने कोई नकल की होनी है इसमें, और पास हो गई है। पीछे हट जा कंजूस जाना है। लेकिन लेकिन माँ जी मैंने इस बार ना इस बड़ी खुशखबरी में
पूरे 500 रुपए का कड़क नोट लेना मैं। पे सदके जावा 1000 लवी तू, पर तेरे अब्बा जी से लेके दूंगी। हां ये तो फिर ना देने वाली बात हुई। हां आए तफा हो चुप कर जा, इधर बखाम मैंने। ये मुझसे पढ़ा तो नहीं जा रहा वैसे, लेकिन इस पे क्या लिखा हुआ है? 98% अम्मा मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं सत्य जा। आया शाह, मैंने कहा था ना तुझे एक दिन तेरा फर्स्ट जरूर लगेगा, और लग गया तेरा फर्स्ट। भाजी हमारी बहन पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। नीचे बैठ जा, अब्बा आ गया ना तो तुझे फेल कर देगा, चुप हो जा। ध्यान से कर नीलम। फिरोजा, अरे तुहाड़े ताई जान दा फोन आया है, वो बता रही है कि आयशा बड़े चंगे नंबरों से पास हो गई है, अब डॉक्टरी वाले कॉलेज में बड़ी आसानी से दाखला मिल जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, आपको मुबारकबाद देने जाना चाहिए। हाँ हाँ जाएंगे, जरूर जा सहे, अब तो दोरा दोरा रिश्ता है ना। मैं भी चलूंगी। हाँ हाँ तुम भी चलना, वो तेरे अब्बा जी आसन ना, तो मैं उनको कहूंगी कि सुबह सुबह जाएंगे, रात ठहर के वापस आ जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी काम करो तुम लोग ना, अभी तक देखो ना शुरू भी नहीं सही तरह किया। चलो ओए, ओ, चलो आज आज भाई जी। आजा आजा फिरोजा आजा। फिरोजा बिशरा आंटी है, सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ए नगीना, इना दीदी। फिरोजा बाजी, नगीना बाजी से मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी बाजी क्या, दोनों भाभी हैं, वो बाजी काहे की। कोई बात नहीं, कहने दे, मैं कौन सा कोई पराई हूँ, घर की बात। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, जब रिश्ते बदल जाए तो फिर रिश्तों को नए नाम से बुलाना चाहिए। हाँ लेकिन मेरा तो रोज का आना जाना है। जा तो फैल पुत्र, जा के अंदर से कुर्सियाँ लेके आए। माँ जी मैं, और जा ना, खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा कुर्सियाँ लेकर आ अंदर से। ठीक है बाजी, जो आपका हुक्म। हाँ लेकिन वो तो पहले अकेले कैसे लाएंगे कुर्सियाँ। हाय हाय, तू क्या मेहमान बन के खड़ी हुई है, जा जाके उसका हाथ बटा। मुझे 1000 दफा कहा है कि तू इस घर की बेटी है, बहू नहीं है। बुजुर्गों की यही बातें मुझे बहुत पसंद है, हमेशा सच्ची और खड़ी बात करती। अच्छा तू जाके शरबत लेके आ जल्दी से, चल ठंडा देख ले कैसा है, ठंडा और मीठा भी। आशा पुत्र, शरबत सिर्फ चाची ते फिरोजा वास्ते चावणे, मैं ते भाई जनल दुकान दवाई के लस्सी पीसा। हाय हाय ओ पेड़ वाली रस्ती भी भुलिया भाई अजे तक। चल ठीक है, लो भाई तुम चाय शाय पियो, शरबत वगैरह अपना ही घर है। बैठ जा बेटा, बैठ जा। जी जी आ जी, इधर आ जा। अब बैठिए, मैं वहां बैठती हूं। भाई खाने का जायका तो तेरी नू ने बनाया खाना गुलाम तालिब। हां अब खाना मैंने बनाया है, खा लो। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। आ जाओ आ जाओ, मेरे हाल है एक कुर्सी, ये तुम उठा लो, एक मैं उठा लेता हूँ। ये कुर्सी शुरू से इतनी भारी है या
आज मुझे भारी लग रही है। तो फैन जी? तुम क्यों लेने गए थे उन्हें? किसको? फिरोजा लोगों को। नगीना भाई, चाची है हमारी, चाचा है, हमारे घर आ रहे थे तो किसी ना किसी ने लेने तो जाना था ना। तो मालिक चला जाता ना लेने, रिश्ता तो उसका हुआ है ना वहाँ। तो जी अब्बा जी ने मुझे कहा जा तो फैल पुत्र ले के आ, एक तो बादशाह आदमी है, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं, इनकार तो बंदा नहीं कर सकता। किस्मत मेरी खराब थी जो तुम पे दिल आ गया मेरा। हाँ जी, अना भी कोई चीज होती है तो फैल, अब सारी जिंदगी ताने मिलते रहेंगे कि तुम ड्राइवर बन के उनको ऐसे लाते जाते रहे हो। मेरा तो ख्याल है कि कुर्सी बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठाई जा रही, तुमसे कैसे उठाई जाएगी, ये हल्की है ये उठा लेते हैं, चलो ये लो पकड़ो। तुम खुद ही उठाओ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। बहुत अच्छा, अच्छा रुको। मुझे पता था मेरी नगीना मेरा इम्तिहान ले रही है। मोहब्बत के इम्तिहान में सफली आई है तुम्हारी। अच्छा जी, इसीलिए एक सवाल करने जा रही हूँ, सच सच बताना। अरे पूछो पूछो, जितने मर्जी सवाल पूछो, इंशाल्लाह तुफैल इश्क के मैदान में पहले नंबर पे आए, फर्स्ट। तुफैल, तुमने तो कहा था कि वहाँ किसी के पास भी कैमरे वाला फोन है ही नहीं, तो ये फिरोजा के हाथ में क्या था? होने नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तब मोबाइल शोबाइल नहीं था, और वैसे भी नगीना मोबाइल लेने में कौन सा टाइम लगता है, बंदे के पास बस पैसे होने चाहिए। तो फैल, तुम सलामी के बहाने पैसे तो ये पकड़ाए थे। ले दस, कसम ले लो मुझसे। तो फिर खाओ अपनी कसम। ले दस, तुम्हारे होते हुए मैं अपनी कसम खा लूं, फिटे मुंह नहीं मेरा। और वैसे भी कहते हैं मोहब्बत में कसम जो है ना महबूब की खाई जाती है। हाँ, और फिर महबूब मर भी जाता है। और लिखी को कौन टाल सकता है, बंदे की आई हो मरना पड़ता है। तो फैल, मैं मजाक कर रहा था, और वैसे भी तुम अपने तुफैल पे शक कर रही हो। हाँ, डाउट ऑन योर तुफैल। शक नहीं कर रही, मोहब्बत के इम्तिहान में बेवफाई की सपली ना है इसलिए पक्का कर रही हूँ। लेकर आओ बाहर एक कुर्सी। तुफैल मर सकता पर अपनी नगीना से बेवफाई नहीं कर सकता, इस पे तो बनता है ना एक। सबके जाओ। ओए अब तो पूरे मोहल्ले की कुर्सियां उठवा लो मुझसे। शरबत पियो बाजी, शरबत पी ले। पीती हूं। पी तू आपी। बड़ी मेहरबानी। मैं तो कहती हूँ कि इतने साल बाद आए हो तुम, अच्छी तरह आप रहो दो चार दिन, बल्कि फिरोजा को मैं घुमाऊ लाहौर शहर भी, यादगार दिखानी है ना, आर्कली बाजार लेके जाना है, चाट खिलानी है। हाँ है ना बाजी। हाँ क्यों नहीं, चिड़ियाघर भूल गई तू, चिड़ियाघर तो पहले दिखाएं। हाँ चिड़ियाघर भी दिखाना है, मोटे मोटे हाथी है उधर, तू देख के खुश हो जाएगी ईमान से, ऐसे नहीं जान दूंगी अब मैं। बड़ी मेहरबानी भरजाई, बड़ी मेहरबानी, पर पता है गल है के पीछे ना बच्चियां कलियां। फिर उस अब्बू तो कह रहे थे कि बस आज रात ही वापस चले जाएंगे हम, लेकिन इसने जिद की है कि अभी जो है ना इसने शॉपिंग करनी है। शॉपिंग से याद आया कि शॉपिंग की तो क्या ही बात करूं, अब तो खैर से हमारी अपनी गड्डी है तो फैल के साथ चली जाएगी शॉपिंग पे। माँ जी कुर्सियां आ गई हैं। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर। कुछ नहीं, ठीक है, मैं जरा ना कपड़े चेंज कर लूं। हाली, कुछ होश ही नहीं आने दी ना, पागली कर दी है। शॉपिंग पे जा रहे, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, नगीना से अच्छी शॉपिंग तो कोई करा ही नहीं सकता, मेरी बच्ची बहुत अच्छी शॉपिंग करती है। चल बेटा उठ, जरा खाने वाने का बंदोबस्त कर, उठ जा। क्या कर रही है नगीना, पकाएगी ना खाना, रहने दे। नहीं पाजी अच्छा नहीं लगता ना अभी। अरे नहीं खाला, क्या हो गया, मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, क्यों अच्छा नहीं लगता। चलो आयशा। हाँ चल, राल मिल के ना दोनों। फिरोजा जाना हाथ मंडा जाके। जी अम्मी जान। नारकली तुझे लेके जाऊंगी, ऐसे दुपट्टे कढ़ाई वाले गोटे वाले की मैं बता नहीं सकती, अल्लाह की कसम। मैंने तो ले लेके रखे हुए इनके जेजो शेजो के लिए। अच्छा
पर मैं तो तुम्हारे वास्ते इतने अच्छे दुपट्टे लेके आई हूं। हाय चुनरी के लाई होगी। हां चुनरी के दुपट्टे मुल्तानी दुपट्टे कढ़ाई वाले। ठीक है सिर्फ इसके लिए लेकर आई है और तुझे किसी का ख्याल नहीं आया। हाय बाजी मैं तो आपको भूल नहीं सकती ना। लाइए 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 तुम्हारे वास्ते भी ले आई है। अच्छा हां जी मालक इधर अपना मालक जी अब्बा जी सलाम अलैकुम चाचा जी। ओ वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक है आप बिल्कुल ठीक। गुलाम साहब ना दो घड़ियां दुकान में बैठते हैं फिर मैं तुझे चल के लस्सी पिला देता हूँ। लस्सी अब्बा जी मैं इधर ही ले आता हूँ लस्सी। हाँ भाई लस्सी तो मैं भाईजान के हाथ की ही पीऊंगा। मर्जी है जी आपकी। मर्जी नहीं मोहब्बत है मेरे पर आ गई। बचपन से पीता आ रहा मेरे हाथ की लस्सी। अच्छा ऐसा कर आज रात को ना दुकान जरा जल्दी बता लें। अल्लाह ने किया कि मेरा सारा खानदान इकट्ठा हुआ है तो सारे मिलके खाना खाएंगे। जो कम आपका भाजी जिम्मेदार। चल भी गुलाम हुसैन फिर तुझे पेड़ों की लस्सी बना के पिलाता हूँ। मैंने तो आज बड़ी गेम करनी थी अब्बा जी ने अपनी गेम कर दी है। नंबर खेलने का तो आज ही मजा आना था। लिया भाई लिया बेटा लिया लिया दो जी। चल शाबाश। हाँ भाई अब्बास कहीं अप्लाई किया है कि नहीं? जी चाचा जी फिक्र ना करें कर दिया अप्लाई। हाँ जी अप्लाई तो किया है पर फायदा कुछ नहीं। भाई साहब फायदा क्यों नहीं है? और राशदा सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। ले दुआ तो करना तू कम से कम। मुझे ही कहती रहती है कि दुआ कर। और बंदा पूछे बाप से बढ़कर कौन अपनी औलाद के लिए दुआ करता है भाई? क्या बातें कर रहा है गुलाम तालिब तू? माँ से ज्यादा कौन दुआ कर सकता है? गाल सुन जी। लो जी अगर दुआओं से ही नौकरियां मिलनी होती तो कोई भी किसी माँ का बच्चा बेकार ना होता। यहाँ सरकारी नौकरी सिर्फ दो चीजों से मिलती है या सिफारिश या पैसा चढ़ाओ और हमने वो दोनों काम ही नहीं करने। क्यों भाई अब्बास और बोलता नहीं? जी बाजी ठीक कह रहे हैं आप। और आपकी बातें खत्म हो गई अब्बाजी तो बिस्मिल्लाह कर लें हम लोग। सब ने खाना डाल लिया? हाँ जी अब्बाजी। देखो भाई खैर से दोनों नुहें पहली दफा मेरे घर में इकट्ठी हुई हैं। आज एक बात गौर से सुन लो। बाप दादा से हमारे घर में एक रीत रिवाज है कि जब तक सारे अपना अपना खाना डाल नहीं लेते खाना शुरू नहीं किया जाता। चलो बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई खाने का जायका तो तेरी नूह ने बनाया खाना गुलाम तालिब। हाँ अब खाना मैंने बनाया खा लो। वही तो मैं कहूँ माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है कभी तेरे हाथ का खाना खाया नहीं था इसलिए पता नहीं था कि तू इतना अच्छा पका लेती है। क्यों भाई यकीन नहीं आ रहा ना? आए, नगीना के हाथ में कोई जायका है माशाल्लाह। आओ थोड़ी तारीफ फेरोजा की भी करते हैं उसने मेरी मदद की है। हाँ क्यों नहीं बहुत अच्छा किया इसने। ये तो वही बात हुई ना कि मजदूर बिल्डिंग बनाता है, है? और तारीफ किसकी होती है बाद में मेरे जो आएगी। वाह क्या डायलॉग है क्या फिल्मी डायलॉग है। वाह 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 वाह। ओवर एक्टिंग ना कर बेटे खाना खा चल चल। आप ये सुनो फिर उसे थोड़े छोटे छोटे काटना। हाँ बड़े बड़े नहीं काटना।
तुमने अभी तक एक ही आलू छीला, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी करो। सुनो फिर वो तो देखो, तुम इस बात का बुरा नहीं मानना कि तुम इस तरह किचन में काम कर रही हो और मैं कुछ नहीं कर रही। ना ना कोई गाल नहीं, अब हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना है ना। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। देखो भले ही हम दोनों उम्र में एक जितने हो, लेकिन रिश्ते में तो मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, पूरे 10 साल। तो फिर मुझसे 10 साल बड़ा ना, इसीलिए अगर तुम्हारे होते हुए मैं सब काम करूं तो देखने वाले क्या कहेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस घर में ना बड़ों का बहुत एहतराम किया जाता है, बहुत इज्जत होती है। काटो, तुम क्यों रुक गए? अपना गुलाम जाहिर है, खाना खा लिया? जी भाईजान। आ फिर, तुझे चाय पिला के लाऊं बाजार से। है क्यों बाजार से, घर में लाचियों वाली चाय बना के देती हूँ मैं। ओ इसी बहाने यार बेलियों से मिल लेगा, और वैसे खलीफे की दूध पत्ती का तो जवाब नहीं है ना। आ जा भाई। अभी बच्चों अच्छी तरह खाना। मैं भी जरा किचन में जा रही हूँ, बर्तन गंदे। हाँ हाँ जा शाबाश। मामा कहती हैं कि रात को बर्तन धो के सोना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी चंगी तरबियत की थी तो सपने दी दी। हाँ भाई मेरी बेटी को तो घर के कामों का कोई शौक है, जरा गंदा बर्तन देखती है ना फौरन धोना शुरू कर देती है। हाँ आप फिरोजा आओ तुम भी, तुम जाके बर्तन धो लो, मैं को मिजान को दवाई देनी है, मैं बाद में चाय बना लूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे सुला सलूक से अल्लाह ने ऐसे ही रखना मेरे घर को, सदके जाऊं। तुम आयशा को बता दो, आयशा दे देगी दवा। चाय चाय तो नगीना भाभी आज आपके हाथ की पीनी है। हाला बताती हैं कि चाय बहुत मजे की बनाती है। हाँ मेरी बेटी तो घर का सारा काम करती है, मैंने तो पहले ही बताया सबको।